हाय एवरीवन, दिस इज नाजिया मलिक। और आज की वीडियो में कुछ जबरदस्ती बना रही हूँ, और वो उन लड़कियों के लिए जो बड़े बड़े सैलून से एजुकेशन हासिल करती हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि काम क्या करना है, क्योंकि जो एजुकेटर्स हैं वो खुद एजुकेटर्स नहीं हैं। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। और जब मैं उनको देखती हूँ, अपने शो में भी देखती हूँ काम करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी कितनी कमी है लोगों में कि वो सही तरीके से अपने आप को एजुकेट कर सकें। मैंने खुद लंदन से पढ़ा है, दुबई से पढ़ा हुआ है, तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी पता है जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, और उसी लिहाज से हम लोगों को काम बताते भी हैं और सिखाते भी हैं। अच्छा, जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको, मैंने पिछले दिनों एक लड़की को देखा और वो कह रही थी कि वो जो नेट फेट होता है उसे आप इंस्टा से देखकर एक चीज़ वो सीख रही थी। और उन्होंने जो चीज़ सीखी मैं आपको बताती हूँ क्या है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बेसिकली आपकी हाई लाइटनिंग होती है उसको कही थी बेस लगाने का तरीका। तो उन्होंने क्या किया कि बेस को लेकर, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ उन्होंने क्या किया। जिस तरह बेस लगाना है ना, मेरे तो खैर बेस लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बेस ही को लिया, जिस तरह ये मैंने नार्स की इस वक्त फाउंडेशन ले ली है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अभी फाउंडेशन हम लगा रहे हैं, और फाउंडेशन लगाने का ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, ये और ये और ये एंड दिस। अच्छा ना, हमने कहा ये फाउंडेशन लगेगी और हम इसी बेसिस को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फाउंडेशन। फाउंडेशन हमेशा पूरे चेहरे पर लगती है। दिस इज विद लाइटर कलर, हाई लाइटनिंग। हाई लाइटनिंग कहलाती है जिस जगह को मैं हाईलाइट करना होता है, और इसको हम ब्लेंड करते हैं हाई लाइटनिंग के तरह से। अरे बहुत ज़्यादा बेस लग जाएगा मेरे चेहरे पर, क्योंकि आपको मैं सिखा रही हूँ ये चीज़। तो खैर, ये होता है पूरे चेहरे पे लगता है बेस जो होता है, फाउंडेशन। हाई लाइटनिंग अभी आपको बताऊंगी क्या। जब आप फाउंडेशन लगाते हैं ना, हैज़ टू बी लिटिल डार्कर कलर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गिव हाई लाइटनिंग टू योर फेस। तो आप थोड़ी सी डार्क कलर की बेस जो है वो आप यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप क्या और मज़ीद डार्क लेते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड वट इज़ लाइक यू नो रियली रियली हाई लाइटनिंग। हाई लाइटनिंग एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। मैंने ज़रा डार्क बेस ले लिया, नार्स का ही लिया है लेकिन डार्क का कलर ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डार्क रंग की बेस लगा रही हूँ। बेस या फाउंडेशन जो है ना, वो हमेशा ये जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन होती है तो इनको फ़ौरन लगाना चाहिए, ठीक है। मैंने देखें एक डॉट ही लगाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेस लगा, ठीक है। और ये पूरे चेहरे पर लगती है, ठीक है। अब आपको जहाँ जहाँ कंसील करना है वहाँ आप कंसील करें ना। दो तीन तरह की फाउंडेशन होती हैं, जिस तरह एक फाउंडेशन आती है जो हमारा तरीका होता है, मैं किस दिन आपको बताऊँगी, जिसमें मैं बहुत सारे कलर्स जो हैं फेस पे देके उसी को ब्लेंड करके और उसी से कॉन्टोर और हाईलाइटिंग देती हूँ। सो दैट्स लाइक डिफरेंट। लेकिन जब हम हाईलाइटिंग देते हैं तो वो हाईलाइटिंग इज डिफरेंट, वो मैं अब आपको बताती हूँ। हाईलाइटिंग ये हमने पूरा ले लिया फेस का, हमने फिर हमने क्या किया, हमने ब्यूटी ब्लेंडर लिया। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर दिया ताकि जो बेस है स्मूथ हो जाए। अभी हमने पाउडर नहीं लगाया, ठीक है ना, ये पाउडर नहीं हमने यूज़ किया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ दिस इज़ बेसिकली स्कल्पटिंग कंसीलर सब के लिए और हाईलाइटिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है। लोगों को यहाँ पर यह भी नहीं पता फेस स्कल्पटिंग क्या होती है, और वो सीख रहे होते हैं ना। दिस इज़ वट आई एम डूइंग, लाइक दिस इज हाईलाइटिंग एंड इफ आई वॉन्ट टू अपलिफ्ट दिस एरिया आई विल यूज़ दिस एंड दिस, राइट। एंड सेकेंडली वट आई विल डू अगेन, एक और चीज़ जो मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। आई विल यूज़ कंसीलर, ना कंसीलर आई विल बी यूजिंग द एरिया विच इज़ लाइक डार्कर हेयर हेयर। इफ आई वॉन्ट टू यूज़ मोर आई कैन, ये बहुत अच्छा कंसीलर है टू फेस का, बड़ी ज़बरदस्त इसकी कवरेज है।
तो वो सेकेंड में कवरेज हो जाती है। अब इसको मैं जो ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपर, या दिखेगा आँख के नीचे ऐसे, कि अगर मुझे इसे हाईलाइट करना है, लाइटर करना है इस एरिया को, सो आई विल डू इट इन दिस वे। ठीक है, नाउ दिस इज हाईलाइट, आई एम अपलिफ्टिंग दिस एरिया, इस जगह को मुझे हाईलाइट करना है, सो आई विल यूज इट लाइक दिस। देखो अब आपको एक फील आ रही है, ठीक है, पर ये हाईलाइट हो रही है, आई विल अपलिफ्ट दिस एरिया, आई वॉन्ट टू इन्हांस दिस एरिया, मुझे इसको भी इन्हांस करना है और अपलिफ्ट करना है, आई यूज सिर्फ इस एरिया में ना, मैंने अब इनको सिर्फ अपने अपनी एरियाज में ही देखें। ठीक है, इसी से मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी, आई विल जस्ट सही। अब मुझे अगर इसको कुछ भी देना है, मुझे इसको कुछ कॉन्ट्रोलिंग देनी है, तो मैं कॉन्ट्रोलिंग इसकी अब दे सकती हूँ। कॉन्ट्रोलिंग भी अब आप डिफरेंट तरीके की होती है, मैं पाउडर कॉन्ट्रोलिंग ही दे रही हूँ, मैं इसमें कोई और दूसरी कॉन्ट्रोलिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, कॉन्ट्रोलिंग इधर आ गई, कॉन्ट्रोलिंग इधर आ गई। मैंने भी नेक पे कुछ नहीं यूज़ किया है, ड्यू टू द रीज़न कि मेरा फाइन है कि मेरे कपड़े ख़राब होंगे अभी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसी में ही थोड़ा पिंक कलर ऐड करना, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो आई विल जस्ट यूज़ लिक्विड ब्लश ऑन दैट, आई डू लिक्विड ब्लश ऑन, थोड़ा इंटेंस करके लगाएंगे, इंटेंस। Now I will uplift this. I'm just a shimmery highlighting this करूँगी, you know, there's so many kind of highlighting, and I can bake this as well. मैं bake भी कर सकती हूँ, like if I wanted lower area बहुत ज़्यादा इसको नहीं, तो मैं bake कर लूँगी। Bake, I will do it with loose powder or translucent powder. Usually मैं loose powder use करती हूँ अपने लिए, translucent depend करता है कि मैं कौन से उनको use कराऊँ clients को। ठीक है, and now what I will do, I will use shimmer. Now the shimmer, I have so many types. मैं आज लिक्विड शिमर यूज़ करूँगी बेका का। ठीक है, बेका का टूट गया मेरा ये, मैं आई विल यूज दिस लिक्विड शिमर विच इज़ लाइक, जिसे हम हाईलाइटनिंग भी कहते हैं, लेकिन ये हाईलाइट्स जो हैं ये होती हैं शिमरी हाईलाइट, जो हम वैसे हाईलाइट करने का कहते हैं दैट इज़ हाईलाइटनिंग, जो प्रॉपर हाईलाइटनिंग है, विच वी कैन यूज विद द कंसीलर्स, फाउंडेशन, एनी अदर प्रोडक्ट लाइक दिस। लेकिन बेस उस वक्त हम ऐसी बेस लगाते हैं जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट शेड में, जब हम प्रॉपर बेस हमेशा, फाउंडेशन हमेशा पूरी ही लगती है नो मैटर वॉट, और फिर उसके ऊपर हम ये लगाते हैं। और बंदी ने, मैं हैरान थी इतने बड़े सैलून से, जिसका उसको इस बात का नहीं पता, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम लोग लाख लाख रुपये खर्च कर देते हो बट नो रीज़न, मेरी वीडियो ही देख लिया करो, एटलीस्ट तुम लोग को कुछ अंग्रेजी काम तो सिखा देती हूँ मैं। सो प्लीज़, एक और मुझे चीज़ समझ नहीं आती, बहुत लोग ना आँख के अंदर ना वाइट वाइट लगा, अरे भाई दैट गिव्स हार्श लुक, हार्ड लुक,
बहुत सॉफ्ट सा बेबी फेस है उस पर तो अच्छा लगता है ये, लेकिन इतना ज़्यादा वाइट वाइट नहीं अच्छा लगता। दैट्स आउटडेटेड, दैट्स लाइक कोई स्टेज ड्रामे का कोई सीन होता है तो उसके लिए सही है। सो प्लीज़ हर चीज़ फॉलो ना करें, आप वो काम करें जो अच्छा लगे, ठीक है ना। आई एम जस्ट यूजिंग टेंट फॉर माई लिप्स एंड हेयर वी गो। बहुत से वीडियो में मैंने स्कल्पटिंग सिखाई है, डू लर्न स्कल्पटिंग, जिस तरह मैं की है स्कल्पटिंग वो आप देखिएगा, और मेरा लुक, ठीक है ना। सो दिस इज़ फॉर टुडे, और बाकी आई विल कीप ऑन टीचिंग यू गुड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग मी। बहुत सी इंपॉर्टेंट मैंने जो है वीडियोज़ बनाई हैं, सो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नाज़िया मलिक, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।